चैप्टर 21 के आखिरी हिस्से में हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ, रेडिएशन डिटेक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें फिशन और फ्यूजन शामिल है, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, और उसके बाद हम देखेंगे चार बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर जिससे मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। जब एक रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके हो रहा होता है तो वो अपना मास कम कर रहा होता है रेडिएशंस और पार्टिकल्स एमिट करके। हाफ लाइफ एक क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कितनी देर के बाद उस एलिमेंट का मास आधा रह जाएगा। यानी अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके हम चार हिस्से करें तो एक हाफ लाइफ के बाद दो हिस्से रह जाएंगे, और मजीद एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो एक हिस्सा रह जाएगा। हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट की मुख्तलिफ होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी हाफ लाइफ चंद सेकेंड होती है, और ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी हाफ लाइफ कई हजार साल तक होती है। हाफ लाइफ और एक कांस्टेंट होता है जिसको रेडिएशन डिके कहते हैं, जो हर एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ होता है, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 0.693 के बराबर होता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और मैथमेटिक्स से साइंटिस्ट ने एक रिलेशनशिप डिस्कवर किया। डिके कांस्टेंट किसके बराबर होता है? अगर हम ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट में जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया वो एन थे, और हमने उसको डेल्टा टी टाइम तक ऑब्जर्व करते रहे, तो जितने एटम्स डिके हुए जिनको हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि जितने शुरू में एटम्स थे और जितने लंबे टाइम के लिए हमने उसको ऑब्जर्व किया, विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं जब हमारा नंबर ऑफ एटम्स जो डिके हो रहे हैं वो ज़्यादा होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप लिया गया, और फिर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं हम। डेल्टा एन इज इक्वल टू लैम्डा, जो हमारा डिके कांस्टेंट है उस एलिमेंट के लिए। तो इस रिलेशनशिप से हमारे पास डिके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है माइनस डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो डिके हुए डिवाइडेड बाय असल शुरू में कितने एटम्स थे डिवाइडेड बाय जितना टोटल टाइम में हमने उसको मेजर किया, यानी कितने एटम्स डिके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डिके ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू के शुरू में कितने एटम्स थे। ये हमारा डिके कांस्टेंट होता है और हर एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ होता है, और डिके कांस्टेंट और उस एलिमेंट की हाफ लाइफ का प्रोडक्ट हमेशा 0.693 होता है। इसका मतलब है अगर हमें डिके कांस्टेंट हम पता कर लें एक्सपेरिमेंटली किसी भी एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी के ऊपर उसको ऑब्जर्व करके, तो हम उसकी हाफ लाइफ डिटर्मिन कर सकते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज, रेडॉन एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 3.8 डेज है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1500 ईयर्स, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल दैट इज लेफ्ट आफ्टर 6000 ईयर्स, यानी 6000 ईयर्स के बाद ओरिजिनल का कितना परसेंट रह जाएगा, हाफ, 1/6, 1/8 या 1/4। हाफ को तो हम एज इट इज क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि हाफ वन हाफ लाइफ के बाद रह जाता है जो कि 1500 ईयर्स है। अब हमने ये देखना है कि 6000 ईयर्स के अंदर कितनी हाफ लाइफ्स आएंगी। इसको हम 1500 से डिवाइड कर लेते हैं, आंसर 4 है, यानी 4 हाफ लाइफ्स के बाद कितना रह जाएगा। पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, हाफ हो जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी, इसका हाफ हो जाएगा, तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी, इसका हाफ, और चौथी हाफ लाइफ के बाद एक और दफा हाफ, यानी हम जो भी ओरिजिनल अमाउंट थी एक्स अमाउंट उसको 1, 2, 3, 4 दफा हाफ करेंगे। तो ये क्या बराबर है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 1 by 16 हिस्सा बाकी रह जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट और एनालाइज करने के लिए इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं जिनको रेडिएशन डिटेक्टर्स कहते हैं, जिनकी हम तीन मेन एग्जांपल्स अभी देखते हैं। जो हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हुए इक्विपमेंट देखा जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलने वाली रेडिएशन को हम इलेक्ट्रिकल प्लेट्स के दरमियान से गुजरवाते थे और वो तीन डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाती थी, सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट थी। ये एग्जांपल है विल्सन क्लाउड चैम्बर की। एक ऐसा चैम्बर हम बनाते हैं जिसके अंदर हम अल्कोहल वेपर्स रखते हैं, और फिर इस चैम्बर के हम प्रेशर कम करना चाहते हैं, तो हम इसके नीचे एक पिस्टन होता है चैम्बर के अंदर ही, पिस्टन को जब हम नीचे मूव करेंगे इसका प्रेशर कम हो जाएगा और साथ इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्कोहल के वेपर्स कंडेंस हों। कंडेंस का क्या मतलब होता है, छोटे छोटे वेपर्स मिलके ड्रॉपलेट्स बनाएं, मगर इतना प्रेशर करते हैं कि ड्रॉपलेट्स अभी बनते नहीं हैं, और अब हम इसके अंदर रेडिएशन एंटर कराते हैं जो रेडियो एक्टिव मटीरियल छोड़ रहा है। ड्रॉपलेट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आयनाइज्ड पार्टिकल्स उसके अंदर से गुजरेंगे इस तरह के एनवायरमेंट में जिसमें प्रेशर कम है और
ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि वो कंडेंस कर सकते हैं अल्कोहल वेपर्स, तो सबसे पहले वो वहाँ पर कंडेंस होंगे जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स इसमें से गुजरते हैं तो उनकी पाथ के ऊपर जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, और चूंकि टेम्परेचर कम होता है इसलिए फ्रीज हो जाते हैं, इसलिए उनकी पूरी पाथ हमें नजर आती है कि यहाँ से वो पार्टिकल गुजरा था। दूसरा, हम इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर देते हैं इस चैम्बर की वॉल्स के ऊपर, तो पार्टिकल्स अपने चार्ज के हिसाब से बेंड हो जाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ, और इनका कर्वेचर भी डिफरेंट होता है, और गामा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले जाते हैं, और हम इनकी पाथ यूं देख सकते हैं। गीगर मुलर काउंटर या गीगर मुलर ट्यूब इसको कहते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है और इसके एक एंड के ऊपर कैथोड होता है और दूसरे एंड के ऊपर एनोड होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, और इनके बीच में इंसुलेटिंग गैस होती है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। मगर अगर हम इस गैस को आयनाइज कर दें, यानी नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएं, तो फिर उनकी वजह से कैथोड और एनोड के दरमियान कनेक्शन पैदा हो जाता है, वो एक पाथ बना लेते हैं। जिस तरह आसमान से जब बिजली गिरती है ज़मीन के ऊपर, तो हवा जो नॉर्मली एक इंसुलेटर होती है वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ बना के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देती है, इसी तरह इसके बीच में गैस होती है, और अब हम इसके अंदर रेडिएशन एंटर कराते हैं जो रेडियो एक्टिव मटीरियल छोड़ रहा होता है, और रेडिएशन की वजह से ये गैस आयनाइज हो जाती है और फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बन जाता है। और अगर हम एनोड के आगे एक एम्पलीफायर लगाएं तो हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करके देख सकते हैं। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा इसका मतलब होगा कि रेडिएशन हम डिटेक्ट कर रहे हैं। मगर इसका नुकसान क्या होता है, चाहे आपके पास मटेरियल्स हों जिनकी एनर्जी कम है या ज़्यादा है, और जितना भी उनके ऊपर चार्ज है वो गैस को आयनाइज कर देंगे, वो जो आयनाइज गैस है वो मजीद पार्टिकल्स को आयनाइज कर देती है, इसलिए हम सिग्नल को देख के ये नहीं बता सकते कि किस एनर्जी के पार्टिकल्स आए हैं। हम सिर्फ ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मौजूद है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर एक फोटोडायोड की तरह होता है। तकरीबन एक पीएन जंक्शन होता है जिसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, और जब भी इस पीएन जंक्शन के ऊपर फोटो डिटेक्टर में क्या होता है, जब फोटॉन्स इसके ऊपर आते हैं तो फोटॉन्स की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रिएट होते हैं और माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है। लेकिन इस केस में फोटॉन्स विजिबल लाइट नहीं है, हमारे पास रेडिएशन है जो रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके की वजह से पैदा हो रही है। वो जब इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो उस रेडिएशन की वजह से इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पैदा होते हैं और फिर करंट फ्लो करता है। उस करंट के हिसाब से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस किस्म के पार्टिकल्स आ रहे हैं और उनको हम काउंट कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स इम्पल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल। गीगर मुलर काउंटर के अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे थे वो छोटा हो या बड़ा, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी हो या कम, वो गैस को आयनाइज करके मजीद गैस एटम्स को आयनाइज कर देती है, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसमें हम ये नहीं बता सकते कि ओरिजिनल पार्टिकल की एनर्जी कितनी थी। तो गीगर मुलर काउंटर के अंदर ये होता है। ऐसे रिएक्शंस जिनके नतीजे में न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है, इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। इनको समझने के लिए हम इनको केमिकल रिएक्शंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मसलन अगर कार्बन ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स किया जाए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आ जाती है। मगर इन रिएक्शंस में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही रहता है, सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस, फर्स्ट करें यूरेनियम, वो कन्वर्ट हो जाता है दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स में, मसलन क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा जो हमने रेडियो एक्टिव डिके देखा जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स के केस में पेरेंट न्यूक्लियस एक हीलियम न्यूक्लियस एमिट करता था और एक डॉटर एलिमेंट या डॉटर न्यूक्लियस उसके नतीजे में पैदा होता था, तो वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की दो टाइप्स देखते हैं, फिशन और फ्यूजन। फिशन का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक करना। फिशन रिएक्शन के अंदर एक पेरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इसको हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो न्यूक्लियर रिएक्शन एटॉमिक बॉम्ब की फॉर्म में किया जाता है, जिसके अंदर यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड किए जाते हैं। यूरेनियम एक अनस्टेबल एलिमेंट है, बहुत हैवी एलिमेंट है, इसका मास नंबर 234 होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है।
तो एक अनस्टेबल एटम के ऊपर आप न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कराते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है दो डिफरेंट छोटे एलिमेंट्स में, क्रिप्टॉन प्लस बैरियम में, और वो न्यूट्रॉन्स, तीन न्यूट्रॉन्स एमिट करता है, और इसके साथ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वो यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो जब यूरेनियम एटम टूट जाता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, और फिर ये तीन न्यूट्रॉन्स उस जगह पर मौजूद जो यूरेनियम एटम्स होते हैं, मजीद तीन यूरेनियम एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं, दोबारा से एक केमिकल रिएक्शन होता, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और ये तीन यूरेनियम फिर स्प्लिट हो जाएंगे क्रिप्टॉन प्लस बेरियम प्लस तीन मजीद न्यूट्रॉन्स, जो कि मजीद यूरेनियम एटम्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बेसिकली एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम न्यूक्लियर वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम पावर ग्रिड्स ऑपरेट कर सकते हैं। फ्यूजन रिएक्शन फिशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। फ्यूज मतलब हम दो एटॉमिक न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक नया एलिमेंट बनाते हैं, दो छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक बड़ा एटॉमिक न्यूक्लियाई बनता है, न्यूक्लियस बनता है, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है? अगर हम इन दो छोटे एलिमेंट्स को का मास कंबाइन करें तो जो हमारा रिजल्टिंग एलिमेंट होता है उसका मास कम होता है, यानी छोटे एलिमेंट्स के मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इस बड़े एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन छोटे न्यूक्लियाई का। तो जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसका कुछ हिस्सा बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे बड़े न्यूक्लियस के कंज्यूम कर लेता है, और कुछ एनर्जी लेफ्ट ओवर हवा में रिलीज हो जाती है, और ये एनर्जी फिशन रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से कई गुना ज़्यादा होती है। फिशन रिएक्शन में चेन रिएक्शन की वजह से छोटी छोटी एनर्जी मिलकर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करी थी, जबकि फ्यूजन रिएक्शन में एक ही रिएक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसकी एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाया जा सकता है, और प्लस इस प्रोसेस में 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो हम देख सकते हैं कितने छोटे न्यूक्लियाई को जब कंबाइन किया गया तो इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। रेडिएशंस के इंसान की बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, और एक हद से ज़्यादा रेडिएशन अवॉइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान एक्सरे कराता है तो उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जद में आता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के करीब इस तरह का साइन होता है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन मौजूद हैं और यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। इसको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइंड है, जिसको कहते हैं डोज, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी, यानी कितनी एनर्जी है और जो बॉडी एब्जॉर्ब करी है, एनर्जी पर यूनिट मास। इसके यूनिट हैं जूल्स पर किलोग्राम, जिनको ग्रे कहते हैं, और जी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मगर डिफरेंट तरह की रेडिएशंस के असरात मुख्तलिफ होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल से, इसलिए रेडिएशन के हिसाब से एक करेक्शन फैक्टर हम यूज़ करते हैं, और करेक्टेड डोज को हम कहते हैं डी ई, और डोज को मल्टीप्लाई करते हैं उस करेक्टिव फैक्टर से जो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कहलाता है। इसको हम रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, कि वो बायोलॉजिकली कितना हार्मफुल है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इफेक्टिव डोज आ जाती है। इसके यूनिट्स ग्रे को मल्टीप्लाई करें RBE से, तो हम उसको कहते हैं सीवर्ट, और SV से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर द रेडियोथेरेपी ऑफ अ पेशेंट इट इज रिक्वायर्ड टू डबल द एब्जॉर्ब डोज इन ग्रे, वट स्टेप्स शुड बी टेकन? एनर्जी मस्ट बी क्वार्टर्ड, एनर्जी मस्ट बी हाफ, एनर्जी मस्ट बी इंक्रीज 4 टाइम्स, या एनर्जी मस्ट बी डबल्ड। अगर वो एब्जॉर्ब डोज ज़्यादा करना चाहते हैं तो डोज क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट मास। डोज वो अगर डबल करना चाहते हैं, मास तो इंसान का चेंज नहीं हो सकता, वो एनर्जी को डबल करेंगे तो एनर्जी मस्ट बी डबल्ड। 10 जूल्स ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई 10 ग्राम मास फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, वट इज द एब्जॉर्ब डोज? ये मास है जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। डोज क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास। 10 जूल्स ऑफ एनर्जी है एब्जॉर्ब बाई 10, अब SI यूनिट किलोग्राम्स में होता है, तो जो ग्रे यूनिट है उसमें किलोग्राम्स में आपने लिखना होता है,
तो हम 10 ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करके रखते हैं. 10 ग्राम्स कितने किलोग्राम्स बनते हैं? 10^-3 किलोग्राम्स. अब हमारे पास यूनिट ग्रे में आएगी, क्योंकि ग्रे जो यूनिट है वो बराबर होती है जूल्स पर किलोग्राम. ये क्या आता है? 10^-3 ग्रे. 10^3 ग्रे. What is the absorbed dose D of a sample of 2 kg which is given an amount of 10 joules of radioactive? So, energy per unit mass, 100 joules divided by 2 kg, 50 gray. Iska answer hai. दुनिया में चार बेसिक फोर्सेस हैं. एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको सब लोग जानते हैं क्योंकि ये हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, प्लैनेट्स तक एक्सटेंड करती है. दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस में दोनों शामिल हैं. चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इसलिए हम इसको कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है और लाइक चार्जेस के दरमियान भी एग्जिस्ट करता है, उनको रिपेल करता है. मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. तीसरा तरह का फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज मैग्नेट या चार्ज के साइज के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे हमारी ज़मीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड पूरी दुनिया के ऊपर एक्सटेंड करती है. तीसरी तरह का फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इसकी रेंज बहुत कम होती है, सिर्फ एटॉमिक न्यूक्लियस तक महदूद होती है. ये हम देख चुके हैं एक एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन टू प्रोटॉन जो कूलम्बिक फोर्स होती है लाइक चार्जेस के दरमियान, उसको ओवरकम करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी वजह से एटॉमिक न्यूक्लियस इकट्ठा रहता है. चौथा फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स. ये भी एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है. इसका मकसद होता है, ये एक न्यूट्रॉन जो कि दरअसल एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स चाहिए होता है. इसकी एग्जांपल बीटा पार्टिकल्स है. बीटा पार्टिकल्स में एक न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, जो दरअसल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रिनो एमिट करता है. अब एटॉमिक न्यूक्लियस जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह एमिट करता है कि उसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन को ये एमिट करा देता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और यूं हम देखते हैं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है. इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया. दुनिया में तीन तरह के बेसिक पार्टिकल्स हैं, रादर यूनिवर्स में तीन तरह के बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके बाकी सारे पार्टिकल्स बनते हैं. यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी कुछ पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं. जो बेसिक यूनिट है वो है क्वार्क. क्वार्क से मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, और दो फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं पार्टिकल्स को. एक को हम कहते हैं लेप्टॉन और एक को हम कहते हैं हेड्रॉन. लेप्टॉन्स वो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों शामिल हैं. और हेड्रॉन वो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती.